हे गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस तरह का एक शानदार एटीट्यूड वाला एक कमाल का स्टेटस अपने मोबाइल में कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से एकदम सिंपल स्टेप्स बताए तो आप भी इस तरह का एक शानदार स्टेटस बना सकते हैं। गाइस, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है और पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। और गाइस, इस वीडियो में जो भी मटेरियल मैंने यूज़ किया उन सबका लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डालता रहता हूँ तो आपको वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट भी मिलता रहेगा। तो ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, ठीक है। आप देख सकते हो उसका नाम है यूनिकोड पैड। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो ये ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपली फॉन्ट वाला आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको बहुत सारे फॉन्ट मिलेंगे। इन फॉन्ट की लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कौन सा भी फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपको देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, तो आपको यहाँ पर जो लिखना है, ठीक है, आपका जो टेक्स्ट है कॉटोज वो आपको यहाँ पर लिख देना है, तो वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे शेट लिखना है तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे ठ बाकी हमारा, तो यहाँ पे ठ हो गया। उसके बाद क्या करना है गाइज, आपको यहाँ पे सिंपली एक सेलेक्ट करके रखना है और यहाँ पे आपको एक कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे कॉपी कर देना, ठीक है। कॉपी करने के बाद क्या करना गाइज, आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद कैंसिल वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से हम इमेज साइज जो है वो यहाँ पे थंबनेल का ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको टेक्स्ट का बटन मिल जाएगा, इसको रिमूव करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आगे एक स्पेस देना है और पीछे स्पेस देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फॉन्ट वाला ऑप्शन पे चले आना है और गाइज यहाँ से आपको माय फॉन्ट में जाना है और प्लस वाले अकाउंट पर जाके आपको जो फॉन्ट अच्छा लगे वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया, वो वाला मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइज, ठीक है। तो ये वाला फॉन्ट था हमारा, ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्पेस दिया तो भी बहुत ही खतरनाक शानदार लग रहा है। उसके बाद कलर वाला ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको ग्रेडियंट जो कलर है वो सेलेक्ट कर लेना। अभी आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कलर मिलेंगे, तो जो आपको अच्छा लगेगा इस वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट कर दिया है। सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको प्लस वाला अकाउंट पर क्लिक करना, टेक्स्ट पर जाना है और यहाँ से मैंने कुछ कॉटोज, ठीक है, क्रोम ब्राउजर से लिए थे, आपको वो क्या कर देने, कॉपी कर देने। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ इनको, ठीक है, यहाँ से आपको कॉपी कर देना है। आपको अगर ऐसे कॉटोज नहीं मिलते तो सिंपली क्रोम पे जाना है और वहाँ पे आपको मराठी एटीट्यूड कॉटोज करके आपको सर्च करना है, तो बहुत सारे कॉटोज आपको मिल जाएंगे। उसके बाद फिर से पिक्सल ऐप आना है और यहाँ पे आपने जो न्यू टेक्स्ट लिया था उसको कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और ये जो सेट आपने लिखा है उसको यहाँ पे रिमूव कर देना है, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे स्पेस दे देंगे और यहाँ पे ये जो इमोजी है गाइस वो हम नीचे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और दो तीन स्पेस देंगे और यहाँ पे आपको एक अच्छे वाला जो रहता है इमोजी वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना गाइज। तो यहाँ पे हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको एकदम आराम से करना है, कोई घाई नहीं करनी है, ठीक है। और गाइज, वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। उसके बाद आपको फॉन्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना, जो फॉन्ट आपको यहाँ पर अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैंने ये वाला फॉन्ट ले लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टाइल का, आपको इसे बोल्ड कर देना, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बोल्ड पे क्लिक किया है और इससे कुछ आई जो आपको देख सकते हो बीच में आई वाला ऑप्शन मिलता है उसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद स्पेसिंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देना है और यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिल जाएगा गाइस। तो आपको जो कलर सेलेक्ट करना है आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, येलो कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि येलो कलर बहुत ही अच्छा दिखेगा इन पर, ठीक है। या तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए या फिर ये, तो यहाँ पर मैं येलो ही रखता हूँ। और इसको क्या करना है, आपको इसकी साइज़ थोड़ी सी यहाँ पे कम कर देनी है, तो इसे हम यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको रखना है, रखने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर देना है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा और अंदर की तरफ ले लेते गाइस। इस तरह से आपको यहाँ पे सभी को एक तरफ कर देना है, ठीक है, ताकि एक अच्छा सा लुक मिले। तो हो गया, उसके बाद ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे रख लेना है, ठीक है।
रखने के बाद अगर आपको यहाँ पे ब्लैक जो कलर है वो रहने देना है तो आप ले सकते हो, और यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली सेव एज इमेज पे क्लिक करना है, अल्ट्रा पे जाके इसे सेव कर देना गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे सभी को क्लोज कर देना है और यहाँ से आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। सो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। अगर आपके पास ये वाला काइन मास्टर नहीं है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, तो मैंने इसका लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लस वाला आपको आइकॉन पे क्लिक करना है और 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद मीडिया पे जाना है और यहाँ से आपको गाइस एक फोटो सेलेक्ट कर लेना है, जो फोटो आपको यहाँ पे रखना है। और गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इस फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसे थोड़ा साइज कम कर देंगे। उसके बाद इक्वल का ऑप्शन को ऑन कर देना है और यहाँ पे क्या करना है, इसे फिट कर देना अपनी स्क्रीन में, ठीक है। ये करने के बाद फिर से आपको एडजस्टमेंट पे जाना है और एडजस्टमेंट को यहाँ पे हाई कर देना है। अगर आपको थोड़ा सा और जूम इन करना है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरह से रख लूँगा। रखने के बाद लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ से आपको एक पीएनजी सेलेक्ट कर लेनी है शेडो इफेक्ट वाली, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको लगा देने हैं। लगा देने के बाद आपको यहाँ पे पूरे के पूरे स्टेटस में लगा देना है और इसे हम थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं गाइस। ये करने के बाद फिर से लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे अभी जो पीएनजी आपने क्रिएट की थी वो वाली पीएनजी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से रखना है और यहाँ पे आपको मिडिल में रख लेनी है, ठीक है। रखने के बाद क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको साइड में स्क्रीनशॉट का बटन मिल जाएगा, आपको वहाँ पे 3-4 बार स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो 2 बार हो गया, एक बार और ले लेते और एक बार और हम यहाँ पे ले लेते। उसके बाद फिर से बैक वाले ऑप्शन पे चले आना है। सो गाइस फिर से आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मीडिया पे जाना है, बैकग्राउंड पे जाना है और यहाँ से आपको ब्लैक वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे जो पीएनजी आपने बनाई थी वो लेयर पे जाके आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो यही वाली पीएनजी मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके रख लेता हूँ इसे अच्छी तरह से। अगर आप अपना इंस्टाग्राम का लोगो भी ऐड करना चाहो तो साथ में आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पीएनजी सेलेक्ट कर दी। उसके बाद लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, अभी जो फोटो आपने क्लिक किए थे, ठीक है, वो सॉरी गाइस, आपको यहाँ पे क्या करना है, मीडिया पे जाना है और अभी जो फोटो आपने क्लिक किए थे उन फोटो को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इस वाले ट्रांजेक्शन पे जाना है और शेक इट वाला जो इफेक्ट है उसको आपको सेलेक्ट करके इसकी जो लेंथ है गाइस वो आपको यहाँ पे कर देनी आपके हिसाब से एडजस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1.2 कर देता हूँ और उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, शेक इट वाले इफेक्ट पे जाना है और इस तरह से आपको यहाँ पे अलग अलग दे देना इफेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे और दे देते गाइस, यहाँ पे इसे एक और इफेक्ट दे देंगे। उसके बाद 3 डॉट पे जाके फिर से डुप्लीकेट ले लेंगे और यहाँ पे एक और लास्ट वाला इफेक्ट ले लेंगे, ये वाला, ठीक है, और इसकी भी कम कर देंगे हम साइज़। तो ये करने के बाद आपको यहाँ पे ऑडियो ऐड करना है, तो सिंपली लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ पे मैंने एक वीडियो सेव किया है, ठीक है। अगर आपके पास ये वाला ऑडियो नहीं रहेगा तो मैं वीडियो भेज दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे मैं डेमो भेजता रहता हूँ, तो आप वो डाउनलोड करके गाइस उसे आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे एक बार हम प्ले करके देख लेते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे रिमूव कर देते गाइस, ठीक है। थोड़ा सा और इसे आपको यहाँ पे रिमूव कर देना है, सॉरी गाइस आपको थोड़ा सा करना है, इसे थोड़ा सा और यहाँ पे आगे की तरफ लेके जाना है और इसे थोड़ा सा कम कर देना, ठीक है। आपको अच्छे से जूम करना है फिर यहाँ पे आपको कम कर देना ताकि एक अच्छा सा इफेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे कम कर देंगे थोड़ा सा और। ये करने के बाद आपको यहाँ पे एक इफेक्ट ऐड करना है, तो लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ से आपको एक इफेक्ट डाउनलोड कर लेना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसे कुछ इस तरह से रोटेट कर देना है और पूरे के पूरे स्टेटस में लगा देना गाइस, और फिर ब्लेंडिंग पे जाके आपको स्क्रीन पे टैप कर देना है। उसके बाद एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन पे जाके इसका एडजस्टमेंट हाई कर देना है, उसका जो वॉल्यूम है गाइस वो आपको यहाँ पे डाउन कर देना है। फिर से लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ से आपको एक और ब्लैक स्क्रीन सेलेक्ट कर लेनी है और उसे भी कुछ इस तरह से रोटेट करके पूरे के पूरे स्टेटस में लगा देना है। ब्लेंडिंग पे जाके फिर से आपको स्क्रीन पे टैप कर देना है और यहाँ पे जो भी गाइस एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। एक बार हम यहाँ पे प्ले करके देख लेते हैं, तो ये जो पीएनजी है उसकी साइज हम थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ा लेंगे, ठीक है, थोड़ी सी और कम कर देंगे। यहाँ पे आपको मिडल पे रखना है और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे, ठीक है, और अभी प्ले करके देख लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या करना, आपको फोटो को थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिम, यहाँ पे ज़्यादा ट्रिम हो गया, थोड़ा थोड़ा तो ट्रिम करना ताकि जो इफेक्ट है वो फटाफट चेंज होने लगे और यहाँ पे एक अच्छा सा लुक मिले, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे थोड़ा और कम कर देंगे, और जो भी गाइस एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा वो आपको कैची वाले बटन पे जाकर राइट टू ट्रिम कर देना, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे बॉर्डर भी ऐड करना है तो लेयर पे क्लिक करके सिंपली आपको यहाँ पे बॉर्डर भी ऐड कर लेना ताकि एक अच्छा सा इफेक्ट लगे हमारे स्टेट्स में। तो थ्री डॉट पर जाके हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और ब्लेंडिंग पे जाकर आपको स्क्रीन पे टैप कर देना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे स्मोक वाला इफेक्ट लगाना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, और ठीक है, बहुत ही कमाल का दिखेगा। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली सेव वाला बटन पे क्लिक करना है और वीडियो को अपनी गैलरी में एक्सपोर्ट कर देना है। आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।